Hello friends, so I am here at this time just to wish you best luck. आपने जो भी अब तक मेहनत की है, जितनी भी प्रिपरेशन की है, सो दिस इज़ द टाइम टू इवेल्यूएट योर सेल्फ. जस्ट 20 days, और फॉर दोज हु आर गिविंग सेकेंड ग्रुप ओनली, उनके लिए 25 days बचे हैं सिर्फ. मैं 5 days छोड़ रही हूँ वो फर्स्ट पेपर के प्रिपरेशन के लिए, कि जो आपको देना है, मतलब आप उसकी प्रॉबेबली 3 या 4 days से पहले उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दोगे. सो आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी इस टाइम पे आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी एंड विच यू नीड टू टेक केयर अबाउट, कि आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दो. डिस्ट्रैक्शन की सबसे ज़्यादा वजह क्या हो सकती है अभी? सो दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है, राइट? सो ये एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, वो देखिए, वो पढ़िए, उसको एनालाइज कीजिए एंड आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर हो जाओगे. एज फार एज आई रीड दिस सेंटेंस एंड इट ब्लिंक इन माई माइंड टू शेयर विथ यू, दैट्स वाई आई एम हियर नाउ. सो पढ़ा आपने वो सेंटेंस? You are doing chartered accountancy. CA is not everyone's cup of tea. और आप CA बनना चाहते हो, आपका ड्रीम है CA बनना. सो आप वो 1% में, वो 1% में फॉल करते हो. सो आपको 99% वो सब कुछ छोड़ना होगा जो बाकी लोग करते हैं. दिवाली है, सब सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उस टाइम पे आपकी एग्ज़ाम है. सो इस बार आप एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ताकि अगले साल से जो भी दिवाली आए, इफ़ यू आर इन CA फाइनल, अगर IPCC हो तो मंजिल अभी दूर है. सो इफ़ यू आर इन CA फाइनल और आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, या फिर आइदर ऑफ द ग्रुप आपका क्लियर हो चुका है एंड ओनली 1 ग्रुप इज़ पेंडिंग, सो ये आपकी लास्ट दिवाली ऐसी होगी जो बुक्स के साथ जाएगी, होपफुली जो एग्ज़ाम्स के साथ जाएगी. सो नेक्स्ट ईयर से जो भी दिवाली है, वो सारी दिवाली आप ही की है. नेक्स्ट ईयर से जो भी नवरात्रि है, वो सारी नवरात्रि आप सेलिब्रेट कर पाओ. इसीलिए इस बार कॉन्सेंट्रेट कर लो, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दो. अगर आप कभी अपने आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स, वो सारे लोग अभी 99% में आते हैं एंड यू आर इन दैट 1%, सो आपको अपने करियर पे फोकस करना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जस्ट 20 days आर लेफ्ट, सो दिस इज़ द टाइम टू इवेल्यूएट योर सेल्फ. सो अगर आपका प्रिपरेशन, होपफुली इस टाइम पे सबका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका होता है, एटलीस्ट 1 बार आपका पूरा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, सो इस टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगी कि अब आप जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है 2 to 5, उसमें आप मॉक टेस्ट लिखिए एटलीस्ट वीकली, ट्वाइस अ डे, सो दैट कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको किस तरह से याद रह रहा है, वेदर यू आर एबल टू राइट इट इन द एग्ज़ाम्स और नॉट, ये आपको पता चलेगा. एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू वेरीफाई योर सेल्फ एंड री एनालिसिस करके आप खुद में जो भी कमियाँ मिल रही है वो करेक्ट करने की कोशिश कीजिए. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन. आपको बहुत ज़्यादा अच्छे, आपने मेहनत की है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. अभी जो भी कंट्रोवर्सीज आई है ICAI के पेपर चेकिंग को लेकर, वो सब अभी कुछ भी आपको माइंड में नहीं लाना है. बी पॉजिटिव, जितनी आपने प्रिपरेशन की है उसको रिवाइज कीजिए, पेपर राइटिंग कीजिए, खुद को इवेल्यूएट कीजिए, और कैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए. सो ऑल द बेस्ट एंड होपफुली यू कैन क्लियर योर एग्ज़ाम्स विद द फ्लाइंग कलर्स. बाय बाय.